करेंगे बड़ी खबर के साथ दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी, सीधा उसका रुख करते हैं। पीएससी मेंबर के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की चर्चा हो रही है, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव बैठक में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप भी बैठक में शामिल हुए। कल से प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले मंथन किया जा रहा है। तो कांग्रेस विधानसभा में चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव बैठक में मौजूद है। इस वक्त दिल्ली में बैठक चल रही है। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप भी बैठक में शामिल है। कल से प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और ये बैठक 3 से 4 दिन तक चलेगी। हरियाणा में किसको टिकट मिलेगा, इसको लेकर कल से 3 से 4 दिन मंथन होगा। तो दिल्ली में इस वक्त पीएससी मेंबर्स के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ हरियाणा। दीपक शर्मा, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर कल से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की शुरुआत होनी है, जिसमें पैनल पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उस चर्चा से पहले आज अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जो है वो तमाम पीएससी के जो मेंबर्स हैं, पीएससी में अगर हम बात करें जो प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे पीएससी के मेंबर से उनकी रिकमेंडेशन ले रहे हैं। यानी कि वो यदि किसी की पैरवी करना चाहते हैं तो वो अपनी पैरवी जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के सामने रख सकते हैं। तो ऐसे में जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, अजय माकन की अध्यक्षता में ये कमेटी है, उनके पास पीएससी के जो तमाम मेंबर हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने अपने पसंदीदा दावेदारों की पैरवी के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिनमें हम चाहे बात करें, महेंद्र प्रताप की बात करें, पूर्व में मंत्री रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। महेंद्र प्रताप, उन्होंने अपनी तरफ से अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपी है। इस वक्त कैप्टन अजय यादव जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, अभी कांग्रेस का जो ओबीसी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी अपनी एक पसंदीदा उम्मीदवारों की पैरवी के लिए, रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के पास। तो इनके पास आकर के अपने अपने जो पसंदीदा दावेदार हैं उनके नामों की पैरवी की जा रही है। यानी कि उनकी एक लिस्ट दी जा रही है कि वो क्या चाहते हैं, उनके 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 अनुसार किसको टिकट दी जानी चाहिए, वो किसकी पैरवी करना चाहते हैं। यदि कोई मजबूत मानती है अगर पीएससी के सदस्य किसी को, तो वो आकर के यहाँ अपनी बात रख सकते हैं। दीपक शर्मा, सबसे बड़े कठिन कड़ी यही होती है हर राजनीतिक दल के लिए कि चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर। अब कोशिश हर दल ये करता है कि टिकटों का जब बंटवारा किया जाए जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, फिर अंतर कलह ना हो। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि अंतर कलह ना हो, जिताऊ भी। और अंतर कलह रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी नाराजगी उनकी सामने ना आए, इसीलिए वो आज उनकी बात सुनी जा रही है। उनकी रिकमेंडेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किसको चाहते हैं, वो अपनी रिकमेंडेशन अपना कोई देना चाहते हैं तो यहाँ दें, ताकि अगर वो जिसकी वो नाम की पैरवी करेंगे अगर वो मजबूत होगा, सर्वे में उसका नाम होगा, तो जरूर पार्टी उन पर विचार करेगी इसको लेकर के, ताकि बाद में किसी तरीके की कोई नाराजगी ना आए पीएससी के मेंबर्स के द्वारा। इसको लेकर के जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो पीएससी के मेंबर्स के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं, उनके साथ उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को लेकर के उनकी लिस्ट मांगी गई है, जिसको लेकर तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि इसके बाद बड़ी चुनौती रहेगी उन उम्मीदवारों के पैनल पर जिनके नाम पर चर्चा की जानी है, क्योंकि 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं लेकिन उम्मीदवार 90 ही होने हैं। तो ऐसे में नाराजगी किसी की ना रहे, और अगर किसी की होती है तो पीएससी की बात सुनी जा सके। पीएससी के जो मेंबर यहाँ आ रहे हैं उन्हें यह भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि उनका पसंदीदा अगर किसी उम्मीदवार का टिकट कटता है तो उसकी नाराजगी ना दिखे, ये कम से कम उसको सहमत कर सके, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा। चलिए, नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हर राजनीतिक दल के लिए ये काफी कठिन निर्णय होता है कि किसको टिकट दिया जाए और टिकट के बाद पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी या नाराजगी ना हो, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर या चुनाव के